भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील नलिन कोहली का कहना है कि सीजेआई की बेंच ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को सीबीआई के सामने पेश होने और सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है। हालांकि 3 जजों की बेंच ने साफ किया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। राजीव कुमार को मेघालय के शिलांग से सीबीआई के समक्ष एक तटस्थ स्थान पर पेश होना होगा। वरिष्ठ वकील नलिन कोहली ने अवमानना याचिका पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जवाब दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें 20 फरवरी को उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव जनरल द्वारा सूचित किया जाएगा। कौन व्यक्ति किसको जीत और हार माने, ये उन पर आधारित है। ममता जी को अगर लगता है कि जिस पुलिस अफसर के लिए वो धरने पे उतर गई, लड़ी कि वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट ना करे, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सीबीआई के साथ जल्द से जल्द कोऑपरेट करे, तो यदि यही जीत होनी थी तो पहला प्रश्न उठता है कि रोक क्यों लगाई गई थी उनकी तरफ से, अफसर ने क्यों नहीं रोका। ये जीत और हार की बात नहीं है सीबीआई के लिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, घोटालों के अंत तक पहुंचना, जो मोदी जी की सरकार लगातार लगी हुई है, कर रही है, आदेश दिए हुए, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जो अफसर ये सोचे कि अपने राजनीतिक आकाओं के लिए वो इन्वेस्टिगेशन या जांच में बाधाएं करेंगे तो कोर्ट के सामने ये बातें छिपी नहीं रहेंगी। कहेंगे सर ममता जी को अपना धरना खत्म करना चाहिए? ममता जी क्या करेंगी, वो एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तय करना है कि धरना पे बैठना है नहीं बैठना है। लेकिन देश में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि कहां तक संघीय ढांचे में इसकी कल्पना हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री, राष्ट्र की एक एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में घोटाले की जांच कर रही है, उसमें एक अफसर उनके राज्य का बाधाएं प्रस्तुत करता है और मुख्यमंत्री उनके लिए उतर जाए धरना पे, अपने मंत्रियों तक के लिए उतरे नहीं जब उनके अरेस्ट हुए थे।